गानों में आ गया। तुमने प्रेम से मुझको बुलाया, मैं भागा चला आया। आवाज दी, कहाँ हो कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, यहाँ आओ। मैंने कहा मैं आ रहा, आ गया। तुमने प्रेम से मुझको बुलाया, मैं भागा चला आया, पर नैया नहीं लाया। एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे साउंड सर्विस के लिए। कैमरा वाले बंधु आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, दूर दूर तक जाने कहाँ तक पहुंचा रहे हो। और विशेष ये जो हमारा घाट सजाया है रोशनी से नहाया हुआ हमारा ये प्रांगण, उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी मौत से लड़के ये रोशनी हम सबको करते हैं, इन बच्चों को तो हृदय की गहराइयों से जो सजाने वाले, उजाला देने वाले। अंधेरा तो सभी करते हैं लेकिन उजाला करते हैं। इन बच्चों के माता पिता को प्रणाम करता हूं। ठाकुर जी, प्रभु प्रेम से मुझको बुलाया। हो गया मेरा पार्ट, एक बंदा मस्त हो गया, हो गया। कोई तो है, तुम देखते रह जाओगे, मैं निकल जाऊंगा। तूने प्रेम से, हे राम बिहारी मेरे सरकार, तुमने प्रेम से मुझको बुलाया। रमन भैया, मैं दौड़ा चला आया, चला आया, पर नैया नहीं लाया। वही मिलता है। मैंने प्रेम से तुझको बुलाया, तू दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया। हो क्यों, क्या भेद है मन में समाया, क्या भेद तेरे मन में है भाया, तू दौड़ा चलाया पर नैया नहीं लाया। हो प्रेम से तुझको बुलाया, तू दौड़ा चलाया पर नैया नहीं लाया। झांकी जो झांकी थी पूर्व मैंने, दो हाथ नहीं बात जा रहा थे कछुआ दिल की याद पुरानी, झांकी थी जो झांकी
बाकी थी, मन को वो बाकी लखी न ऐसी जाती। आज तक नहीं देखे वो पेश प्रभु, वो पेश प्रभु कहां पर छुपाया। ये बाना बाबा बाना योगी बाना काहे बनाया। मैं समझ नहीं पाया ये कैसी तेरी माया। हेलो, हाँ ध्यान दें इसी सुंदर केवट संवाद पर। ये प्रसन्न होकर कुछ मुद्राएं, ये 21 रुपए चेलू भाई मोहर सिंहपुर खेरवा, 10 रुपए ये छोटा बच्चा सज्जन सिंह खेरवा, 51 रुपए प्रदीप नायक गुड़गांव हरियाणा, ये भी परदेसी जी के बड़े दीवाने हैं, उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये 20 रुपए ओमकार सिंह लौआ मंगलपुर निवासी, इनकी तरफ से आया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और जी गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। 51 रुपया सर्वेश उर्फ पप्पी जी, उनकी तरफ से सुवर्ण प्रदेश के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भाई सर्वेश भैया जी, सर्वेश सर्वेश्वर सर्वेश सर्वेश्वर मेरे पास कहो सरकार पिछले जन्मों की याद पुरानी ही ये में है मेरे समानी। कछुआ देखी याद पुरानी ही ये में है हमारे समानी। आप जिस कारण योगी कबाना बनाया छोड़ी राजधान। मैंने योगी का बाना बनाया तुम जैसे भक्तों के लिए, छोड़ दी राजधान। मिलने की मन में जानी, तुझे मिलने की मन में जानी, जो आई या पुरानी, जो आई या पुरानी। अगर न मिलते इस जीवन
हे राम हे मेरे भगवान। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में ओ आला, धीरे धीरे मेरी बिगड़ी बना। क्यों? केवल हमारी नहीं, आज आप ना होते सरकार बिगड़ी तो बिगड़ ही जाती। तो इसीलिए तो आपके नाम के सहारे जो है उनकी बनती है सरकार, बिगड़ती नहीं। तो इसीलिए तो जब लगन लगा ले, इसीलिए चाहे उसी लिए तुम्हें जैसे कहे। तेरी मेरी मेरी तेरी ये तेरी मेरी ये प्रीत पुरानी है। बरसों बरसे तेरे नैना हम आए, सीता प्यारी लक्ष्मण हर खुशी तू ही है। पिछली चाहत जब मैं कछुआ था, तू ही है पिछली चाहत, तू ही आखिरी है। तू मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है। मेरी बंदगी मेरी बंदगी कहा केवल मेरी बंदगी है। मेरा भजन पूजन सब कुछ तू है सर। ध्यान दे, इसी उपलक्ष में कुछ ये 10 रुपए विनोद खरवा मोहर सिंहपुर और 10 रुपए जनक दुलारी मोहर सिंहपुर, 20 रुपए संतोष मोहर सिंहपुर और ये 50 रुपए पुनः प्रदीप गुड़गांव हरियाणा राम के सुंदर अपने पर आए हुए हैं और ये 20 रुपए नेकपाल सिंह मोहर सिंहपुर खरवा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? अरे भाई, यदि भक्त इस जगत में ना होते, यदि भक्त इस जगत में ना होते और हमारे भक्त कर सताए ना गए होते तो शायद हम भी यहां ना होते। तू जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी तन की चाहत, तू ही जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू
ध्यान दे नरेश भैया मेरी बात पर। पिछले जन्म का एहसास है तू, जिसे एहसास नहीं उसे आभास भी नहीं होता, विश्वास भी नहीं होता। हमें एहसास है पिछले जन्म का, जन्म जन्म का एहसास है तू। मुझसे जो पूछ ना पाई वो प्यास है तू, मुझसे जो पूछ ना पाई वो प्यास है तू। तू ही मेरी कर्म पूजा, तू ही जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी, मेरी जिंदगी, तू मेरी बंदगी, तू मेरी बंदगी। ठाकुर ये सत्य है, पिछले जन्म का ही प्यार है, उस पार है ये बन, आज उसी बात को साकार करने के लिए पुनः आया हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, छह बार नहीं, ये सातवां जन्म है। हर एक जन्म में पास तेरे आया हूँ, हर एक जन्म में पास तेरे, पर कर्म के कारण ना समझ पाया है तू। तू ही मेरी आखिरी चाहत, तू ही मेरी आशा है, तू मेरी हर खुशी, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। जिस समय प्रेम का परिणाम क्या हुआ, कछुआ कतल पाया, चरण ना छुआ था, क्षीर सिंधु में मैं चरण छूने गया। आज आप लोग देखते होंगे कच्छप भगवान को, वो गर्दन ऐसे निकालते हैं, ये पहले नहीं निकाल पाते थे। मैं गया, मैया श्री जी ने देखा कि ये जल का जीव मेरे सरकार के पास आ रहा, तो आग दिखा दी, दूर हो गए, छुप गए, छुप गए कि माई की नजर न पड़े और मैं ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कर लूं, चरणों का चरणों तक हमें मिल जाएगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। नारायण आनंद ले रहे थे, नारायण ने देखा कि परेशान हो रहा मेरा भक्त, तो इन्होंने ऐसे पैर थोड़ा सा और कर दिया, बड़े कोमल इनके चरण, ज्योति निकल रही थी चरणों से, सारे संसार का मैं आनंद ले रहा था केवल चरण देख के। और जब मैं छूने के लिए मैंने ऐसे किया तो सरकार ने और बढ़ाया पैर, लेकिन कछुआ तो कछुआ है, कहां तक बड़े प्रयास मैंने पूरा किया। शेष की नजर पड़ी कि ये जल का जीव कहीं ऐसा ना हो मेरे सरकार को काट ले, दर्द दे दे। प्रेम मुझ तो पिछला पर चरण ना छुआ,
यही मैं आप सबसे कहूंगा, मंच एक मंदिर है, नाम रूप लीला धाम चार चार लाभ मिलते हैं, ये मेरे भगवान है। अगर ये झांकी अपने नैनों में आप बसा लेंगे तो आपको कभी नेत्र दोष नहीं हो सकता। तू मेरी भजन बबूजा, तू ही जिंदगी है, तेरे ही कारण मिल गई मुझे जिंदगी सुंदर प्रसंग को देखकर 20 रुपए कंचन सिंह मोहर सिंहपुर खिरवा, 10 रुपए राजू मोहर सिंहपुर खिरवा, 20 रुपए राम स्वरूप मोहर सिंहपुर खिरवा और ये 20 रुपए कृष्ण गोपाल खिरवा इनकी तरफ से आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पुनः 51 रुपए का पुरस्कार ये हमारे भैया सर्वेश जी सोवरन परदेसी जी के सुंदर अपने पर खुश होकर दिए हुए हैं। भगवान उनका भला करे। धन्यवाद। जय हो सर्वेश जी को और सभी को। जितने लोग भी हैं बहुत अच्छे हैं। आनंद आ रहा है। जब आनंद आ रहा है तो आनंद देने वाले दाता तुमका हम कैसे लागत का हमारे झगड़ा जा रहे हैं। नहीं हमने का मतलब ये नहीं, जहाँ पर अधिक मानवों का आवागमन हो उस स्थान को छोड़कर आगे जाना। वो राजा थे तो राजा के पास रह गए, लेकिन नहीं जब वनवासी बनकर आए तो हम बनाई में रखे, हम अपने घर ना लाइए। घर पर नहीं रखोगे लेकिन घर पर तुम्हारा परिवार तो होगा। परिवार को हम छोड़कर आए, परिवार से नेह छोड़कर जब ही हमने ये बैराग लिया तो हमसे तो नेह लगाया, लेकिन तुमसे नेह लगाया तो आज नेहा लगा करके और तुम्हें भी तुम्हारा भी कार बन जाए, हमारा भी कार बन जाए। क्योंकि कर्म के कागज पे, कर्म के कागज पे विधि ने एक विधान लिखा, सरकार कर्म कर्ता ने कर्म प्रधान लिखा। अब व्यक्ति के जीवन में सकल पदार्थ है जगमाही, पर कर्महीन नर पावत नाही। केवल हम कर्म के कारण किसी वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाते जिसकी हम चाहत में रहते, पर शायद मेरे द्वारा वह कर्म नहीं किया जा सकता, किया जा रहा हो, तभी तो हमें ऐसा हो रहा है कि हमें वह वस्तु अमुख वस्तु प्राप्त नहीं हो रही। कहने की बात तो ये है, केवल कहने की बात तो ये है सरकार की, आपको भी लोग कहेंगे इनको कौन से ऐसो कर्म बगैर को जी राजा नहीं बन पाए। हाँ बिल्कुल सत्य है। इनको कौन सो कर्म बगैर को हाय देखो तो बिल्कुल सत्य है। महलों में रहने वाली ये केवल नहीं कर्म नहीं, ये केवल दृष्टि है, व्यक्ति की दृष्टि है, ये सत्य है। इस सृष्टि में आप दृष्टि की बात करते हैं, इस सृष्टि में नहीं दृष्टि की बात। ये दृष्टि कब बनेगी सरकार? जब योगी बाबा आपके कृपा की दृष्टि होगी, तो कृपा की दृष्टि होगी तब इस सृष्टि में रहने वालों की दृष्टि सुधरेगी, तब ये राम को जाने। दृष्टि तो है ही कछु, तो जब दृष्टि हुई तभी तो दृष्टि सुधरी। कछु तो ऐसे ऐसे निकम, उन्हीं के लिए हमें आना पड़ा राम है, उन्हीं के लिए हमें यहाँ तक आना पड़ा है जिनकी दृष्टि सुदृष्टि हुई, ऐसी ही कृपा की। उन्हीं के लिए हम यहाँ तक आए। जैसे कहो सरकार, कि कलमे के कागज पर और मन की कलम कि
करता ने कर्म प्रधान लिखा, करता ने कर्म प्रधान लिखा, पर मन की कलम से विधि ने एक विधान लिखा, विधि ने एक विधान लिखा, करता ने करने प्रधान लिखा, करता ने करने प्रधान लिखा, करता ने करता जाने और धरता जाने। हम करता धरता के चक्कर में नहीं है। क्या मन के मंदिर में कर्मी की पूजा से मन में अपने राम लीला, चौकीदार बना लिया सरकार, तुम रक्षा करो, हम तो सोएंगे आनंद लेंगे। मन के मंदिर में कर्म की कलम से सुंदर नाम मुराब लिखा, पावन नाम बोरा बोलिका, हर रोम रोम में राम लिखा, हर रोम रोम में राम लिखा, हर रोम रोम में राम लिखा, हर रोम रोम में। क्यों क्यों कोई नहीं है हमारा झूठा जगिए मुझको मिला है राघो केवल तेरा सहारा, बीच भवर में नैया मेरी, बीच भवर में नैया मेरी, पल्ली है ये हाथ में तेरी, तन मन में बस राम लिखा, तन मन में बस राम लिखा, मैंने रोम रोम राम लिखा, मेरे रोम रोम राम लिखा, मेरे रोम रोम। या मैं ये कह दूं मन मंदिर मंदिर में राम बसा, मेरे रोम रोम में राम बसा, राम। केवट जी, ठाकुर जी, बहुत समय हो गया है पर देखता हूं क्यों ना तुम मुझको पार करते हो, आखिर ऐसा क्या है कि बहुत समय हो गया है तो ना तो तुम पार कर रहे हो, आखिर इसका कारण क्या है? क्यों न तुम हमको पार करते हो, कि क्यों न तुम हमको पार करते हो, चाहते
सीमित जितने नभ में तारे उतने प्रभु आपने तारे वो हमने उतने उतारे जितने घर में कुची तारे। एक गिनती होती है कि हमारे घर में इतने कमरे हैं इतने ताले कुची है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हे ठाकुर जी मुझे तुम क्यों नमार करते मुझे पौसे क्यों हमारा तो इरादा है क्या प्रभु ये ही तेरा दादा क्यों ना मुझे और से पार
हाँ ध्यान दें, ये 20 रुपए रईस पाल सिंह खिरवा मोहर सिंहपुर, 20 रुपए रमन सिंह अकोड़िया मंगलपुर, 20 रुपए ओमकार सिंह लौआ मंगलपुर और ये 50 रुपए सर्वेश और पप्पी मोहर सिंहपुर केवट जी के सुंदर अपने पर दिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केवट बहुत समय से देख रहा हूँ, मैंने तुमसे एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि आखिर हमें उस पार जाना है, हमें ऐसा आदेश मिला है और भी कार्य करना है। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, तुम्हें मैं भली प्रकार से मानता हूं कि तुम मेरे प्राण हो, तुम जैसे भक्तों के लिए ही मैंने उस धाम को छोड़कर इस धरा धाम पर आ गए, फिर भी तुम नहीं समझ पाए। अरे केवट भाई, हम तुम्हारे पास आए तो हमें क्यों पार नहीं कर रहे? ये बात सच है, तुमने क्या क्या किया ना हमारे लिए। मेरा सातवां जन्म है, भगवान हर जन्म में आए, तुमने क्या क्या किया ना हमारे लिए, हम कर ना पाए कुछ भी तुम्हारे लिए। ऐसे दया जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कहो ठाकुर जी, हम तुम्हारी पतियां सुना तो देख रहा हूं, ये टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो ठाकुर जी? हम जीते, हम जीते जीते रहे, हम जीते जीते इते, हम क्या देख रहे हो इते जीते रहे? आखिर क्या देख रहे हो चित रहे? भाई बातें तो कर रहे हैं हम तुमसे। हाँ, नरेश बच्चा हमो चित अंत बंट नहीं, चित हमो वही है। अगर आज हमो चित अंत बंट होगा तो अब तो ऐसे फिर मित करा बनने पर चित्रे उड़ जाए। तो चित अंत बंट नहीं सरकार। भाई पुजारी जी पूजा कर रहे थे मंदिर में, ओम जय जगदीश हरि, बगल से निकल गई छुन छुन कर, भाई भौजी भूल गए, भौजी निकल गई का भगवान को भूल गए, इतने चले गए बोले भौजी। अब भौजी में मन चलोगे तो भगवान कहाँ था? तो हम भौजी में नहीं जे, आज हम भज्जई में डटे गए। हे भज्जा हमारी सुन लो, भौजी तो तमाम मिल जाए। अब जो करत तो मैं हूँ, चाहे दूर कर दो चाहे पास बुलाओ। तो हम चित अंट बंट नन्या बई धात के बनत प्याजना, ओ बई धात को घन पुजारी जी वालों का बोला तो। अरे तुम्हारी घंटन को हम सुनो, बस देखिए मैं बहुत अच्छी सीख दे रहा हूँ राम जी की कृपा से। ये हमारा सनातन धर्म है, किसी भी मोमिन भाई के बच्चे से पूछो, मोहम्मद साहब हमारे नबी थे, उनके कौन थे, कुरान को क्या कहते हैं, आयत को क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, बता दें। और हमारे सनातन धर्म में बताइए उनको कहते नहीं, नहीं वो है गरुण जी, याद रखिए गरुण जी, घंटा नहीं। घंटा तो चाहे को बजाए चलो जाए, ऐसो हम तुम्हें घंटा बना नहीं दे, ऐसो घंटा नहीं बना दे, चाहे को आवे दे दे। हम आज गरुण जी बना के जाएंगे कि भगवान की पूजा ही में ऐसे रहो बराबरी से, जब तक तुम नहीं बजो तब तक भगवान उन पट नहीं फूलन दे, ऐसे बनो। अब बन गया घंटा, भाई कारण है कि तुमने नाव धरदा पप्पू, तभी जिंदगी भर पप्पू ही रहे। बोले कोई मोल लल्लू, अरे तुम्हारे भले हो जाए नामों नहीं मिल रहे। तो इस सनातन धर्म में कुछ ऐसे संस्कार भी दो माताओं बहनों, पहले घर घर रामायण होती थी, आज मोबाइल में फंसाया था, बहु अलग लिए है, लड़का अलग व्हाट्सएप चला रहा हूं, वो खुद उसकी मताई अलग लगी कोने में, बाप सोए कोने में डटो। बोले रुक जाने, अब बताओ जब बाप कह रहा तो मोड़ा का खा, जब मोबाइल ने बहुत 101% आदमी झूठ बोलने लगा, जबकि सबसे बड़ा पाप है झूठ। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हमने जैसे भी हम आ रहे थे लेके आपने फोन किया, सतीश भैया कहाँ हो भैया परदेसी, बस सिकंदरा निकल आए, जबकि कुठौंदा में चल गए।
ये झूठ नहीं है क्या बताइए? ये झूठ नहीं है? पिताजी ने बोला बेटा कहाँ? बस पिताजी जी स्टैंड पे खड़े हो रहे, खड़े क्वार्टर लाए, बराबर झूठ बोल रहा है। कोई ऐसा नहीं, पत्नी को फोन लगाओ वो कभी खाना बना रहा है, को गप्पे लड़ा रही है। किसी को भी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो झूठ ना बोला हो प्यासी। वैसे अगर ज्यादा कुछ हो रहा हो तो क्षमा करना, लेकिन ये सच्चाई है। तो ठाकुर जी आप जो एन बार शॉप चलाएंगे जहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, तुम फेसबुक पे कचू करो। लेकिन नहीं, झूठ मैं नहीं बोलता, बोलते होंगे कोई, लेकिन हर कोई नहीं। झूठ कुछ ही बोलना, वही तो मैं कह रहा हूँ। काहे की वही तो कि मैं नहीं बोलता हूँ। सात जन्म से पहले जा रहे हो? अरे केवट, अरे केवट, अरे बना बना के बहन, अरे नटवा, जाने कब से मुए बना रहा नटवा। अरे एक केवट बा इरी नटवा, जाने कब से मुए बना रहा नटवा, ते नटवा मैं नटवा, मुँह से खरी घुसा रहा हूँ चटवा। लेकिन ना मेरे तो काकड़ो ठठोरा बनो ठठोरा के भाई, जुआ रखो तो सरक जाएगा पिछाई, कोनो काम के नहीं है। बिना मेरे तो काकड़ो ठठोरो ओ तेरे सबसे बड़ो ठठोरो, सरक दुआरे अड़ो ठठोरो, ऐसो अब तक मिलो न को जासे जाको जाको दे तो टटुआ। एरे नटुआ, जाने कब से मोई बना रहा नटुआ, जाको डांट दे, जाको डांट दे, सब शांति के लिए। नहीं केवट, ये हमें साधने की आवश्यकता नहीं। तुम हमें बना रहे हो, तुम स्वयं साध सकते हो। तुम हमें क्योंकि बने बनाए हो, तुम हमें बना रहे, हमें सिखा रहे, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, हमें सिखा रहे। नहीं ये सब कुछ नहीं है, मान जाओ रही जाओ। केवल सत्ता यह है कि जो व्यक्ति को मिलता है व्यक्ति के कर्म के आधार पर। हमने कर्म, हम यदि कर्म नहीं कर पाएंगे ये निश्चित है कि हाँ उतने समय के लिए कर्म, आज ये सातवां जन्म है जब हम तुम्हें प्राप्त हुए, मैं सातों जन्म में आया हूँ, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाए। तुम हमें मिल गए एक बार नहीं, तुम बेई हो कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, छह बार मिल चुका हूँ, ये सातवीं बार है। अब जब समझ में आया सरकार, जब सातवीं भावर पूरी हो जाए तो इसीलिए आया हूँ, पूर्ण करने के लिए ही मैंने राजभरों के राज सुखों का परित्याग कर दिया। बर भरू तो अस भरू के मोरी चुरिया मर मर, ऐसो बर का काम को कि वो कंडन में बर गो हम रो रहे ऐसा। लेकिन केवट हम जीते चीते रहे, बस हमारा ध्यान वही है। क्या देखते हो? जाएगी टुकुर 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 टुकुर।
बाबा का चेहरा, कोई राजा का चेहरा, संसार के शहंशाह का चेहरा। अच्छा, मुखड़ा तेरा वो चेहरा तेरा, मुखड़ा तेरा वो चेहरा, ऐसा लग रहा है। ठाकुर जी, हाँ केवट बल्कि मधुबासिया बन आए बताता हूँ। हाँ बताओ, क्या कारण? कारण जानना चाहते हैं? अवश्य। अच्छे सरकार पूछते हुए, अच्छा सरकार पखरन गाऊ।
तक धुलू ना प्रभु जी तुरे पाओ ये जब तक धुलू ना। सतीश तुम्हारे मन का हो रहा है बन में